जय हिंद साथियों। साथियों एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑल इन वन पॉइंट में। साथियों देखिए यहाँ पे हम हैं अभी वेबसाइट सेंट्रल सिल्क बोर्ड, जो कि रिक्वायरमेंट आई थी दोस्तों। इसमें आप लोग का UDC और जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर का पोस्ट था दोस्तों, उसका रिक्वायरमेंट आई थी दोस्तों। ये इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी अपडेट दिया था कि ये जो है कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं, रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, कब देगा नहीं देगा। दोस्तों फाइनली आप लोग का यहाँ पे इंतजार खत्म हो गया है, आप लोग का यहाँ पे रिजल्ट जारी हो चुका है। तो चलिए साथ हम इसके करियर सेक्शन से रिजल्ट को डाउनलोड करते हैं और आपको बताते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पे आपको कट ऑफ भी बताऊंगा, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों आपसे एक गुजारिश है, आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग का कोई भी अपडेट मिस नहीं हो। तो चलिए साथियों हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, यहाँ के जैसे हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न एग्जामिनेशन रिजल्ट, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, फील्ड इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर भी मेंशन है दोस्तों। इस पर जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप लोग का यहाँ रिजल्ट डाउनलोड होकर चला आता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ दोस्तों आप लोग का कट ऑफ बताया गया और नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड बताया गया है। इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अगर हम कटअप की बात करते हैं तो UR में आप यहाँ देख सकते हैं 55 कटअप गया, OBC में 50 कटअप गया है, SC में 43 कटअप गया है। कंप्यूटर प्रोग्रामर की अगर हम बात करते हैं 54 कटअप गया, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की अगर हम बात करते हैं तो OBC का 52 गया है और UR का 57 गया, बहुत कम कटअप गया है दोस्तों। आप लोग जरूर यहाँ पर अगर सिलेक्टेड है तो नीचे कमेंट कीजिए। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के यहाँ देख सकते हैं 72 है, उसके बाद लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 66 UR में कटअप गया। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करते हैं जिसमें टोटल 5 सीट था, इसमें 71.55 गया है कटअप, OBC में 70.55 गया है कटअप। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं JET का, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का, इसमें देख सकते हैं 121 कटअप गया है, OBC में 109 कटअप गया है। फील्ड असिस्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो 85 कटअप गया है, कुक के लिए 31 कटअप गया UR में और 18 कटअप गया SC में। ये तो दोस्तों आप लोग की कटअप की बात होगी। अब हम धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करते हैं आप लोग का पोस्ट वाइज, आप अगर इसमें सिलेक्टेड हैं तो आप जरूर नीचे कमेंट कीजिएगा। अपना रोल नंबर को आप मिला सकते हैं और PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, मैं आप लोग को PDF अविलंब प्रोवाइड कर दूंगा। अगर इसमें सिलेक्टेड है तो आप जरूर नीचे कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं CSV से रिलेटेड हर एक अपडेट आप लोग को देते रहता हूं। तो आप लोग का ये अपडेट जो है बहुत यहां पे बहुत अच्छी अपडेट निकल के सामने आई है CSV के तरफ से। आप यहां पे देख सकते हैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट UR2 के लिए दिया गया, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी कैंडिडेट का यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है। लगभग 20 कैंडिडेट को यहाँ बुलाया गया है 5 सीट के लिए, जो कि आपको सिर्फ 5 सीट, 5 ही कैंडिडेट को यहाँ पर रखने वाला है। उसके बाद दोस्तों जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 3 सीट था, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया है। कुक के लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है, सभी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड अगर इसमें है उनको यहाँ पर डिपार्टमेंट पर्सन के एबिलिटी के अनुसार आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा और 5 कैंडिडेट को ही ओनली रखा जाएगा, ये एक सीट पे एक ही कैंडिडेट को रखा जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसका PDF का नहीं रहे तो आप जरूर कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को अविलंब यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। आप लोग को दोस्तों मैंने पहले भी अवेयर किया था कि रिजल्ट आएगी, लेकिन आप लोग पेशेंस खोते जा रहे थे, लेकिन फाइनली यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन 18, 19 और 25 मार्च 2023 को हुआ था, सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। इसका PDF का मैं डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में और दोस्तों इसका भी जो है साइट का लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। कोई भी क्वेरी रहती है तो आप जरूर नीचे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो चलिए साथियों इस वीडियो में इतना ही था, और भी कोई क्वेरी रहती है धन्यवाद।